स्टेशन की काय पलट होने जा रही है, रीडेवलपमेंट होने जा रहा है और डीआरएम हमें बताएंगे कि पूरी प्लानिंग क्या है। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले यही कि एग्मोर रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं के नजरिए से क्या कुछ नयापन, कुछ नए फीचर्स आने जा रहे हैं? ये बिल्कुल आपको एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप होता हुआ दिखेगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना था। इसमें इस पैसेंजर जो आ रहे हैं या जा रहे हैं उनके लिए सेपरेट डिपार्चर और अराइवल कॉन्कोर्स है, और डिपार्चर कॉन्कोर्स आप ये माने कि 72 मीटर वाइड है, जो एक बहुत ही बड़ी विड्थ है, और इस पर सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी। जैसा एयरपोर्ट पर आप देखते हैं कि जब फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है तभी पैसेंजर गेट्स पर जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी जब ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा तभी पैसेंजर ट्रेन नीचे उतरेंगे। इसी तरह हमारा अराइवल कॉन्कोर्स है, जहाँ पे पैसेंजर जब निकलेंगे तो उनके पास भी कुछ डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो सामान खरीदने की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा ये शहर के दोनों पार्ट को जोड़ता भी है, एक अनपेड कनेक्शन होगा जो शहर के दोनों पार्ट को जोड़ेगा। इन चीज़ों के अलावा एक विशेष खूबी इसमें ये भी है कि मेट्रो, रोड और रेल तीनों का एक इंटीग्रेशन भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक बड़ी प्लानिंग, कितने साल, कितना पैसा लगेगा इसमें? अभी हम लोगों ने 842 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट आया है, और हमें उम्मीद है कि जब ये स्टार्ट होता है तो 3 साल के भीतर ये काम कंप्लीट होगा। टेंडर लगभग कब तक निकाल पाएंगे? हम लोग टेंडर उम्मीद कर रहे हैं कि जून के सेकंड वीक तक निकाल देंगे। अभी फुटफॉल लगभग कितना है और आपको क्या लगता है कि वो फुटफॉल आने वाले 4-5 साल में कितना बढ़ सकता है? अभी फुटफॉल जो है लगभग 1.6 लाख पैसेंजर पर डे है, जो मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में 10% के हिसाब से बढ़ेगा, और डेफिनेटली ये 3-4 साल के बाद 2 से 2.5 लाख हो जाएगा। एक आखिरी में, अगर रेलवे की कमाई की बात करें तो उसके भी कई दरवाजे खुलेंगे, तो क्या रेवेन्यू पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि कितना बेहतर हो जाएगा? इनफैक्ट हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ये पूरा का पूरा एरिया हम लोगों ने यहाँ पर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GCC उन लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने ये प्लान किया है, उनके सजेशन हम लोगों ने लिए है, और ये एरिया सेंट्रलाइज बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरह डेवलप हो रहा है। तो ये सेंटर जो है शहर का आइकॉनिक बिल्डिंग होगा, जिसमें कई सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी, और हमें उम्मीद है जो हमारी लागत आ रही है वो हमें वापस मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो एग्मोर रेलवे स्टेशन को लेकर के DRM की प्लानिंग क्या है वो आपने जाने कि किस तरीके से 3 साल में पूरी कायापलट होनी है, 840 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, और उसमें यात्री सुविधाओं में जो भी आप एयरपोर्ट में देखते हैं लगभग वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर होंगी। वो इसलिए इसको बार बार एयरपोर्ट का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि वो एक बेंचमार्क बना हुआ है, जबकि रेलवे स्टेशन में आज की हम स्थिति में देखें तो आज भी बहुत मुश्किल होते ही यहाँ से जो ट्रेन को बोर्ड करना, ट्रेन को जब अराइवल होता है तो वो जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं होता, तो उसमें एक ज़बरदस्त बदलाव, सुधार आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा।